हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभय खेड़िया एंड वेलकम टू अनअकैडमी। आज मैं आपको अनअकैडमी के थ्रू अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से आपको कुछ केमिस्ट्री के अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स दिखाने जा रहा हूँ। ये वो एक्सपेरिमेंट्स हैं जो अपने डे टू डे लाइफ में आप देखते रहते हैं, या तो आपने कहीं किसी बुक्स में पढ़ा होगा या किसी एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ा होगा, बट आज उन एक्सपेरिमेंट्स को हम करके देखेंगे, लाइव करके देखेंगे कि उन एक्सपेरिमेंट्स में क्या केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके पीछे की केमिस्ट्री क्या होती है। सो लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, जहाँ एक बच्चा मेरे पास आया, सर मेरे को एक हिडन मैसेज लिखना है कि जो कि मेरे सिर्फ जानने वाला ही पढ़ सके और कोई ना पढ़ सके। ठीक है, अब उसका हिडन मैसेज क्या है भाई मेरे को तो नहीं पता, बट चलो मैंने बोला लेट्स गो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। सो विल स्टार्ट द डेमोन्स्ट्रेशन। नॉट टू राइट अ हिडन मैसेज, मेरे को लगेगा एक ब्लैंक पेपर जहाँ पर मन मैसेज लिखेंगे। विल नीड वन लेमन का एक्सट्रैक्ट लगेगा और एक पेंसिल लगेगी जिसके थ्रू अपन मैसेज लिखेंगे। सो आई एम यूजिंग दिस ईयरबड जिसके थ्रू हम मैसेज लिखेंगे। एंड विल नीड वन मैच स्टिक विद अ कैंडल। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, इस लेमन जूस की हेल्प से अपना हिडन मैसेज लिखूंगा। ठीक है, सो यू कैन सी वी आर राइटिंग अ हिडन मैसेज। ठीक है, सो आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैसेज मैंने लिख दिया है। अब इस मैसेज को हमको इस पेपर में एब्जॉर्ब होने देना है, ड्राई होने देना है। सो हम कुछ देर वेट करेंगे तब तक ही हमारा मैसेज हमारा ड्राई अप नहीं हो जाता। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द इन्फॉर्मेशन। अब आप देखो हमारा जो मैसेज था ब्लैक पेपर में लिखा हुआ है, बट अब आपको विजिबल नहीं है। बट अब इसको सामने वाले को विजिबल कैसे कराना है, सो यू हैव टू व्हाट वी हैव टू डू, आपको एक कैंडल लेनी है। कैंडल को यू हैव टू लाइट इट विद मैच स्टिक। अपने जला लिया कैंडल, ठीक है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस कैंडल आपको उस मैसेज को थोड़ा सा जलाने की कोशिश करना है। मेक श्योर कि आपका पेपर ना जले, आपको सिर्फ ऊपर रखना है कि जिससे आपका कंटेंट आपका सीधे एक्सट्रैक्ट होने लग जाए, बाहर आने लग जाए। धीरे धीरे अपन सो करेंगे और ध्यान रखें बेटा, इसमें कई बार पेपर में आग लग जाती है, तो आपको पेपर को एक अच्छे खासे डिस्टेंस में रखना है। उसको आप धीरे धीरे करते रहेंगे एंड फाइनली आपका जो मैसेज है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि मैसेज अपना आ रहा है, ठीक है, पर थोड़ा सा बट आराम से करना है विद पेशेंस। देखो आप देख सकते हो कि अब हमारा लेटर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया है इस पेपर में, एंड इनफैक्ट अब आपको मेरा मैसेज बहुत क्लियरली दिख भी रहा होगा। और ज़्यादा काम नहीं करूँगा बिकॉज अदरवाइज पेपर में आग न लग जाए, ठीक है। सो यू कैन सी अब हमारा मैसेज रिफ्लेक्ट हो गया, जो कि बहुत अच्छे से दिख रहा है कि हमने अनअकैडमी इसमें लिखा था, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू कैन राइट द हिडन मैसेज। नाउ लेट्स गेट इनटू द केमिस्ट्री बिहाइंड दिस, कि इसके पीछे केमिस्ट्री क्या थी। सो आपको मैं बता दूँ फाइनली क्या था, जो हमने लेमन जूस लिया था, नॉट दिस लेमन जूस कंटेन्स मेनी कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। तो जैसे हम इस लेमन जूस को नीचे से हीट करना स्टार्ट करते हैं, सो फाइनली क्या होता है, वो जो कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स थे वो कंपाउंड ब्रेक हो गए, एलिमेंटल कार्बन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नाउ फाइनली जब आप कार्बन को ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट करते हैं, जब वैन यू स्टार्टेड बर्निंग विद कैंडल, तो स्टार्ट गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीडाइज्ड होकर वो ब्लैक होना स्टार्ट होता है। मैं आपको बता दूं, ऑक्सीडेशन का वन ऑफ द मेजर रिजल्ट इज व्हाट, कि चीज़ें हमारी उसे डार्क होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कोई आयरन अगर सब्सटेंस रस्ट हो जाता है तो ब्राउनिश होने लगता है। घर पर बैठा आपके पास कोई एप्पल है, अगर आपने कुछ देर उसको पील अप करके इसको छोड़ दिया बाहर, तो कुछ देर बाद वो भी डार्क कलर हो जाता है, बिकॉज वो ऑक्सीडाइज होने लगता है। तो सेम तरीके से हमने भी क्या किया, वो शुगर था, शुगर से कार्बन को बाहर निकाला और फिर कार्बन को फाइनली हमने ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर दिया। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच द एलिमेंट कंबाइंस विद ऑक्सीजन। और अगर मैं और न्यू डेफिनेशन जाऊँ, ऑक्सीडेशन इज प्रोसेस व्हेन अ एलिमेंट लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे, तब इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। सो लेट्स मूव टू अवर सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जहाँ एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर या सर ये दिवाली में जो छोटी सी स्नेक की गोली आती है, उसको हम जब बर्न करते हैं तो एक स्नेक टाइप की चीज़ बाहर आती है, तो बेसिकली वो स्नेक है क्या,
क्या वो कोई सब्सटेंस है, क्या वो केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो मैं बोला चलो भाई इसको भी अपन डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं, इसको भी अपन एक्सपेरिमेंट देखेंगे। बट मैं बता दूं अब ये जो एक्सपेरिमेंट मैं परफॉर्म कर रहा हूँ वो एक्सपेरिमेंट मैं यहाँ से बाहर कर रहा हूँ, बिकॉज एक्सपेरिमेंट में आई एम गोइंग टू यूज सम फायर जो कि स्टूडियो में परफॉर्म करना डिफिकल्ट है। सो लेट्स गो टू द एक्सपेरिमेंट साइट। चलिए डिमॉन्स्ट्रेट करूँ कैसे हम शुगर स्नेक बनाएंगे, जो कि आपने शायद दिवाली के पटाखों में देखा हो, जो स्नेक की गोलीज आती थी उसको आप बंद करते थे, एक स्नेक टाइप की चीज़ें बाहर आती है। तो आज इसको हम केमिकल्स के थ्रू सीखेंगे कैसे बनता है, कौन कौन से केमिकल्स लगते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट मेरे को लगेगा एक शुगर जो कि क्रस्ट है, बेकिंग सोडा लगेगा, मैचस्टिक और कैंडल लगेगी फॉर कंबशन, और साथ में स्पिरिट लगेगा जो मेरे को कंबशन में सपोर्ट करेगा। हम अपना एक्सपेरिमेंट सैंड में परफॉर्म कर रहे हैं बिकॉज सैंड हमारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले मैं इसमें स्पिरिट डालूंगा साइन अप, बिकॉज स्पिरिट मेरे को कंबशन का प्लेटफॉर्म देगा, सपोर्ट करेगा कंबशन में। तो हम यहाँ पे पूरा स्पिरिट डाल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखें जो बच्चे घर पे परफॉर्म कर रहे हैं स्पिरिट से दूर रहें, बिकॉज स्पिरिट अपना कंबशन में हाईली फ्लेमेबल होता है, सो आप थोड़ा से दूर रहेंगे। ठीक है ना, अब हम इसमें जो मिक्सर है हमारा 4:1 का है उसको पोर कर देते हैं। ठीक है, कोशिश करें कि सारा मिक्सर एक ही तरफ जाए, ज़्यादा फैले नहीं। मिक्सर हमने यहाँ पे डाल दिया, अब हम सब्सटेंस को इस पूरे मिक्सर को बर्न करेंगे। मैं स्पिरिट थोड़ा सा और डाल देता हूँ आसपास। ठीक है, अब इस मिक्सर को हम बर्न करते हैं। तो वेल मैं एक मैच स्टिक के साथ कैंडल चला लूँ, बिकॉज थोड़ा सा दूर होके करना है, काफ़ी तेज़ी से आग पकड़ेगा ये। देखिए आप फाइनली हमारे मिक्सर ने आग ले ली है और आपको विजिबल होगा। तो देखिए ब्लैक ब्लैक कलर का एक्चुअली जो चीज़ बाहर आ रही है वो कार्बन है। ठीक है, कार्बन कैसे बन रहा है, क्या रिएक्शन हो रही है, या आपको मैं PPT में एक्सप्लेन करूँगा कि द रिएक्शन। ठीक है, सो आप देखिए ब्लैक कलर के टाइप में स्नेक फॉर्म में चीज़ें बाहर आ रही है, वो एक्चुअली है कार्बन है। PPT में समझाऊंगा कार्बन कैसे आया। ठीक है, एकदम एग्जैक्टली दिवाली जैसा तो नहीं दिखेगा, सर दिवाली वाला पार्ट तो नहीं दिख रहा। ठीक है, बिकॉज ये केमिकल को स्प्रेडिंग आउट है, दिवाली में गोली एकदम कंप्रेस रहती है। ये वो एकदम स्नेक पैटर्न में बाहर होता है। उसका रीज़न क्या है, सर कार्बन कहाँ से आया, ब्लैक ब्लैक कार्बन कैसे बाहर आ रहा है, स्नेक पैटर्न में क्यों आ रहा है, यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, रिएक्शन हम बाहर नहीं कर पाते बिकॉज वहाँ पे हवा बहुत चल रही थी तो कंबशन में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हमने रिएक्शन इसको अंदर ला के किया है। सो आई थिंक अब आपको विजिबल होगा, क्लियर होगा वीडियो में कि ये स्नेक स्नेक पैटर्न में चीज़ें बाहर आ रही है। वो एक्चुअली कार्बन है, जो आपको हम दिवाली स्नेक के पर बात करते हैं वो चीज़ बाहर आ रही है। ठीक है, वीडियो में आपको समझ में कम आएगा बट आप चाहो कि इस एक्सपेरिमेंट को करके परफॉर्म कर सकते हो, कीपिंग इन माइंड कि आपके साथ में कोई आपका बड़ा साथ में हो, अदरवाइज आप ना करें, बिकॉज हम स्पिरिट का यूज करते हैं जो थोड़ा हाईली फ्लेमेबल गैस लिक्विड है। सो यू हैव टू बी कॉन्शियस व्हाइल परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट। चलिए सो फाइनली जानेंगे कि सर इसके पीछे का रीज़न क्या था, इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या थी। सो फाइनली बता दूँ जो रिएक्शन थी ना, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन जो हमारे सामने हुई वो तीन सेट ऑफ रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। पहली रिएक्शन क्या होता है, हमारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है विच इज़ फ्रॉम बेकिंग सोडा, वो क्या करता है, डिकम्पोज होता है टू सोडियम कार्बोनेट CO2 NH2। तो फाइनली मैं आपको बता दूं हमारे अल्कली मेटल्स में सिर्फ एक ही बाइकार्बोनेट डिकम्पोज होता है, बाकी सारे बाइकार्बोनेट डिकम्पोज नहीं होते ऑन हीटिंग। सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज किस में आता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O गैस। सेकेंड रिएक्शन हमारी क्या होती है, सेकेंड रिएक्शन जो शुगर है इट स्टार्ट बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलने लग जाता है, एंड आपके सामने रिएक्शन है जहाँ शुगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया टू प्रोड्यूस CO2 and H2O। नाउ फाइनली क्या होता है, ये जो गैसेस मेरी प्रोड्यूस हो रही हैं CO2 and H2O गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं दोनों रिएक्शन से, ये गैसेस अब बाहर आना स्टार्ट करती हैं, और जैसे ही ये बाहर आना स्टार्ट करती हैं तो फाइनली साथ साथ में अपने साथ शुगर और जो बेकिंग पाउडर का मिक्सचर था उस चीज़ को भी बाहर आना स्टार्ट करती हैं। तो दिस बेकिंग पाउडर और शुगर का जो मिक्सचर है अब वो कंबशन करने के बजाय अब वो बिकॉज ऑफ द हीट वो डिकम्पोज करना स्टार्ट करता है, एंड इट गेट्स डिकम्पोज टू एलिमेंटल कार्बन, वो कार्बन और वाटर में डिकम्पोज हो जाता है
बिकॉज अब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, सरफेस में आना स्टार्ट कर दिया और कार्बन पे और वाटर पे डिकम्पोज हो गया. नाउ दिस इज द ओनली कार्बन जो फर्दर रिएक्ट करके, जो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर सी कार्बन के ऑक्सीडाइज फॉर्म का कार्बन बाहर आता है जो कि ब्लैक कलर का होता है. और स्नेक पैटर्न का विजिबल होने का रीजन क्या है सर? बिकॉज वो साथ साथ में गैसेस भी बाहर आ रही हैं, इसलिए साथ साथ में स्नेक पैटर्न के फ्लो में बाहर आता है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ, ठीक है. सो चलते हैं हमारे थर्ड एक्सपेरिमेंट में, जहां मुझसे बच्चे ने पूछा कि सर फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सा गैस यूज होती है और फाइनली वो फायर एक्सटिंग्विशर गैस काम कैसे करती है. तो मैं बोला चलो भाई इसको भी अपन एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में देख लेते हैं. सो लेट्स गो टू द एक्सपेरिमेंट. सो परफॉर्मिंग दिस एक्सपेरिमेंट अपने को लगेगा एक एम्प्टी ग्लास, साथ में लगी कैंडल, मैच स्टिक, सम इनो सैशेस अलॉन्ग विथ सम वाटर, ठीक है. सो एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं अपन. सो पहले अपन क्या करेंगे, कैंडल को अपन इस ग्लास में रख लेते हैं जिस कैंडल पे अपन ग्लास में परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है. और इस ग्लास के अंदर अपन पानी भर देंगे थोड़ा सा. ठीक है, इतना काफ़ी है. तो आप लोग इसका ग्लास आपको विजिबल रहे. नाउ मैं इस कैंडल मैच स्टिक से इस कैंडल को लाइट कर लेता हूँ. सो अब चलिए आगे देखते हैं अपन. अब मैं क्या करूँगा, अब इस इनो से मैं एक्चुअली आई एम गुड पोर सम इनो इन दिस वाटर. आपको पता होगा कि इनो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी सिट्रिक एसिड्स होते हैं जो कि फाइनली वाटर से कंबाइन करके CO2 गैस को रिलीज करते हैं. तो अब देखते हैं कि जो CO2 गैस रिलीज हो रही है क्या वो मेरी मैच जो कैंडल है उसको एक्सटिंग्विश करती है कि नहीं. तो हमको क्लियर हो जाएगा कि हाँ CO2 सर अपनी कंबशन को सपोर्ट नहीं करती. सो आई एम गोइंग टू पोर सम नोबल गैस, सॉरी इनो. आपको लगे देखो CO2 गैस अब साथ साथ में धीरे धीरे रिलीज हो रही है और आप देखिए वो CO2 गैस ने अपनी मैच स्टिक को बंद कर दिया. इनफैक्ट अब अपन इसको दोबारा ट्राई करेंगे. मैं दोबारा मैच स्टिक से इसको जलाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि अभी भी CO2 गैस रिलीज हो रही है. सो आप देखिएगा ये रही मैच स्टिक. अब मैं जैसी मैच स्टिक को देखो कैंडल के पास लेके जा रहा हूँ, ये CO2 गैस को तो CO2 गैस ने मेरी मैच स्टिक को बंद कर दिया. दोबारा ट्राई करेंगे अपन. अभी भी CO2 गैस चली रही है, शायद तक आवाज़ आ रही है इनो की. ये देखिए मैं मैच स्टिक है इसको अपन पास में लेके जाएंगे. जैसे ही थोड़ा सा पास में ले जाऊंगा अगर CO2 गैस देखो रिलीज हो रही है, ऑटोमेटिक ये मैच बंद हो जा रही है. ठीक है, एक और ट्राई करते हैं. चलिए मैच जल गई, मेरे का CO2 गैस अब खत्म हो गई है और आपने सुना भी है तो इनो काम करे सिर्फ 6 सेकेंड में. चलिए दोबारा ट्राई करते हैं. मैं दोबारा थोड़ा सा इनो डालता हूँ कि थोड़ा CO2 गैस रिलीज हो जाए और अपन देखेंगे. देखिए हमारी जो CO2 गैस रिलीज हो रही है और हमारा कैंडल बंद हो गई. सो इट शोज दैट कि CO2 गैस डज नॉट सपोर्ट कंबशन. सो अब समझेंगे इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है, इसको समझने की अपन कोशिश करेंगे. सो फाइनली मैं आपको बता दूं कि जो CO2 गैस होती है, जो CO2 गैस इज वेरी मच हैवी देन O2 गैस. तो फाइनली क्या होता है, जब हम CO2 गैस स्प्रेड करते हैं जहाँ चीज़ आग लगी है तो O2 गैस को डिस्प्लेस करके CO2 गैस चीज़ को पूरा ढक लेती है. तो क्या हुआ, O2 का कनेक्शन टूट गया उस सब्सटेंस से और फाइनली हमारा कंबशन क्या होता है, रुक जाता है. एक और रीज़न है हमारा CO2 गैस यूज़ करने का कि जो CO2 गैस है इट इज़ अ स्टेबल ऑक्साइड ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन. अब CO2 गैस फर्दर ऑक्सीजन से कंबाइन करके प्रोडक्ट नहीं बनाती ना, फर्दर ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करती मीन्स अब फर्दर उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रही है. तो फाइनली वो क्या कर रहा है, एक पूरी तरीके से हमारा जो सब्सटेंस है जहाँ आग लगी थी उसको पूरा क्या कर देगा, कवर कर देगा. और इस मैकेनिज्म के थ्रू अपना CO2 क्या करता है, कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है. मैं आपको बता दूं जो एक्सपेरिमेंट अभी हमने किया था, ये एक्सपेरिमेंट हमारे लैब्स में यूज़ होता है टू टेस्ट फॉर दी CO2 गैस. आप क्या करेंगे, अगर आपने कोई गैस में लेट से कोई एक्सपेरिमेंट में गैस आपकी रिलीज हो रही है CO2 गैस, तो आपको बस उस CO2 गैस के पास एक मैच स्टिक लेके जानी है और आप देखेंगे वो मैच स्टिक तुरंत मेरी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी. दिस इज हाउ वी टेस्ट फॉर दी CO2. चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की तरफ, जहाँ पे अगेन एक बच्चे ने मुझे पूछा और बहुत ही अच्छा सवाल पूछा उसने कि सर समटाइम्स हमने देखा है कि हमारा जो फ्रीजर का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है. आजकल हम देखेंगे फ्रीजर में हम टेम्परेचर सेट कर पाते हैं -15, -23, वो टेम्परेचर कम होता है, बट स्टिल उसमें वाटर रखने के बाद वो वाटर इंस्टेंटली फ्रीज नहीं होता, जबकि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हमारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसको फ्रीज हो जाना चाहिए था बट इंस्टेंटली फ्रीज नहीं होता, उसको काफ़ी टाइम लगता है. तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, तो मैंने बोला चलो भाई इसको भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझते हैं. तो टू डिमॉन्स्ट्रेट एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट भी हमने बाहर किया है बिकॉज मेरे पास यहाँ फ्रीजर नहीं है स्टूडियो में. सो आपको एक्सपेरिमेंट देखेंगे अपन थ्रू द वीडियो.
नीड सम वाटर बॉटल्स विच आर वेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट. सो हमने क्या किया, अराउंड -23 डिग्री सेल्सियस में कुछ वाटर बॉटल्स को 1 से 2 घंटे के लिए रख दिया था. तो आप देख सकते हो कि अभी भी हमारे जो वाटर बॉटल्स है अभी भी प्योर वाटर कंडीशन में है एंड दे हैव नॉट कन्वर्टेड टू आइस. बट आई विल शो यू कि कैसे ये आइस में कन्वर्ट होती है थ्रू अ ट्रिगर मैकेनिज्म एंड चलो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स. तो आप देख सकते हैं अभी भी जो हमारी बॉटल्स है दे आर स्टिल इन वाटर कंडीशन एंड स्टिल बट इनका टेम्परेचर क्या है मेरा फ्रीजिंग पॉइंट से कम है. डिमॉन्स्ट्रेट कर दूं कि कैसे मेरा वाटर आइस में कन्वर्ट होगा. जस्ट यू हैव टू जर्न अप टू जर्न देना बहुत तेजी से. हम देख सकते हैं आप लोग देखिएगा धीरे धीरे मेरे आइस क्रिस्टल नीचे से बनना स्टार्ट हो जाएंगे इस वाटर बॉटल में. देखते हैं आइस में वाटर हमारा कन्वर्ट हुआ कि नहीं. ठीक है मेरे ख्याल से काफी आइस बन चुकी है. ये मैकेनिज्म आपको दिखेगा जब आप खुद ट्राई करेंगे घर पे तो आपको बहुत क्लियर फैसिलिटी आएगी. ठीक है सो लेट्स सी मेरे ख्याल से आइस बन चुकी काफी. ओपन देखते हैं आप तुम देखो देखिए मैं पानी बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ बिकॉज ये पूरा आइस में वाटर कन्वर्ट हो चुका है. ठीक है सो अल्टीमेटली इसके पीछे रीज़न क्या था कि इनिशियली ये पानी फ्रीजिंग पॉइंट से कम था बट उसके बाद भी आइस में कन्वर्ट हुआ बट अब तुरंत इंस्टेंटली आइस में कन्वर्ट हो गया बाई गिविंग सम ट्रिगर मैकेनिज्म. सो लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट पीपीटी. ठीक है एक बार आपको दोबारा डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ. मेरे को पानी पीने की इच्छा हो रही है बट मैं पानी नहीं पी पा रहा हूँ बिकॉज ये पानी को मैंने आइस में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है तो जादू नहीं था मेरे हाथ में आपको बता दूँ. इसके पीछे भी एक साइंस थी एंड लेट्स अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. सो फाइनली बता दूं उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या था. मैं आपको बता दूं जो पानी था इट वाज इन सुपर कूल्ड कंडीशन दैट इज इट वाज वेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर बट स्टिल वाटर फ्रीज में वाटर आइस में फ्रीज नहीं हुआ था. तो उसके पीछे रीजन क्या है बिकॉज वाटर को आइस में कन्वर्ट होने के लिए कुछ किक स्टार्ट चाहिए कुछ किकिंग प्रोसेस चाहिए टू स्टार्ट द फ्रीजिंग प्रोसेस. एंड जिससे क्या होगा जैसे हम किक स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स अब वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होते हैं. सो हमने किक स्टार्ट बेसिकली दिया कैसे वी हैव गिवन द किक स्टार्ट एंड जैसे हमने किक स्टार्ट दिया दो वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके आइस के क्रिस्टल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए. और जैसे एक क्रिस्टल बना अब वो क्रिस्टल तेजी से पूरे वाटर में स्प्रेड आउट होना स्टार्ट होता है और पूरा का पूरा वाटर हमारा आइस में कन्वर्ट हो जाता है. एंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस या फिनोमेना इज नोन एज न्यूक्लिएशन बिकॉज इस प्रोसेस में पहले एक छोटा सा आइस का क्रिस्टल बन रहा है और जो धीरे से पूरे पूरे मॉलिक्यूल के वाटर के मॉलिक्यूल में फैल जा रहा है. सो अब एक्सपेरिमेंट को आप घर पर भी ट्राई कर सकते हो. बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जो टेम्परेचर है वाटर का इसको वेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट अटेन कर लिया है. सो आपको इसके लिए कि अपनी वाटर बॉटल को फ्रीजर में रखना पड़ेगा एंड मे बी अराउंड 2 to 3 hours रखोगे तो आपकी टेम्परेचर है जो बॉटल का वो 0 degree second से कम हो जाएगा बट आइस में कन्वर्ट होने बंद होना बिकॉज हमारा एक्सपेरिमेंट आप देख नहीं पाएंगे. चलिए सो मैं आपको बता दूं मैं आपको इस पर्टिकुलर चैनल के थ्रू ऐसे फ्रीक्वेंट बेसिस मिलते रहूंगा जब मैं आपको केमिस्ट्री से ऐसे शानदार एक्सपेरिमेंट्स एडवेंचर एक्सपेरिमेंट्स आपके सामने पुट अप करते रहूंगा जिसको अपनी केमिस्ट्री को एंजॉय कर पाएंगे और इसको याद भी रख पाएंगे बहुत टाइम तक. ठीक है सो बिफोर लेट मी टेल यू आप जो है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से इंटरेक्ट कर सकते हैं एक चैनल के थ्रू विच इज टेलीग्राम के चैनल पे tinyurl.com/unacademychat. इस चैनल के थ्रू आपको फ्रीक्वेंट बेसिस में टेलीग्राम से आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे अनअकैडमी रिलेटेड. सो तुरंत ज्वाइन कर लें इस चैनल को बिकॉज इस चैनल में आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे. ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर दी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन जहाँ पे अनअकैडमी के थ्रू आपको लाइव क्लासेस में पढ़ने का मौका मिलेगा. आप इंटरेक्ट कर पाएंगे एडुकेटर्स से अपनी फैकल्टी से एंड ऑल्सो वहाँ पे हमारे लाइव पोल्स होते हैं जहाँ पे मैं क्लास में क्वेश्चन दूंगा और जो बच्चा अच्छा साथ तुरंत सॉल्व किया या करेक्ट आंसर किया ही विल गेट द रैंक इंस्टेंटली इन द क्लास. हमारे टेस्ट सीरीज होगी टेस्ट सीरीज में बच्चा अच्छा रिजल्ट का परफॉर्म कर पाएगा अपना एनालिसिस देख पाएगा. प्लस यू हैव अ लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन. सो दीज आर दी बेनिफिट्स जो कि आपको पूरी क्लासरूम वाली फीलिंग देगा जब आप हमारे साथ काम करेंगे. ठीक है सो मैं आपको बता दूं इंडिया के बेस्ट एडुकेटर्स आर वर्किंग विद अनअकैडमी. आप एक बार ज्वाइन करके देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी टीम अच्छी टीम हमारे साथ काम कर रही है. तो सो व्हाट इज द प्रोसेस आपको अनअकैडमी को सब्सक्राइब करना है लर्निंग ऐप को आपको सब्सक्राइब करना है एंड यू कैन यूज दिस कोड AKC लाइव प्रोड्यूस करेंगे तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट ऑफर हो जाएगा जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे. ध्यान रखेंगे बेटा AKC लाइव इट इज अ डिस्काउंट विच इज बिंग ऑफर्ड. आपको बस इस कोड को याद रखना है और अप्लाई करना है जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे. ठीक है सो ज्वाइन दिस सब्सक्राइब दिस चैनल जो अनअकैडमी 11th एंड 12th. इसको सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और अपने मैक्सिमम दोस्तों को बताओ बिकॉज इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं डेली बेसिस में. सो लेट देम ऑल्सो गेट द बेनिफिट. हमारे और भी चैनल्स हैं अनअकैडमी के सो कैन ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट बेनिफिट फ्रॉम ऑल योर साइट्स. ठीक है सो डू रिमेंबर दिस कोड AKC लाइव टू गेट अ डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. चलिए तो आज आपसे अलविदा लूंगा बच्चों. टिल देन टेक केयर गुड बाय.